मुख्यमंत्री गहलोत लॉकडाउन के नए मॉडल का नाम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में भूले। सोशल मीडिया पर वीडियो हुआ वायरल। प्रशासनिक कार्य का दबाव उनके चेहरे पर साफ दिखाई दे रहा है। वायरल वीडियो को सुनने के लिए आप सबसे पहले अगर इस चैनल पर नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और पास दिए गए बेल आइकन के बटन को प्रेस जरूर करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर सबसे पहले पहुंच जाए। आज 3 मई से हमने 15 दिन का जो लॉकडाउन लगाया, एक प्रकार लॉकडाउन की तरह ही है वो, नाम दिया उसका हमने क्या दिया है? और नाम उसका दिया जन अनुशासन पखवाड़ा, तो था पहले, उसको हमने जोड़ दिया है एक प्रकार से थोड़ा ज्यादा नाम भूल गया मैं तो कहने में। सोशल मीडिया में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का ये वीडियो तेजी से आज 4 मई मंगलवार को वायरल हो रहा है। इसमें मुख्यमंत्री प्रदेश की जनता को 3 मई से शुरू होने वाले लॉकडाउन के बारे में बता रहे हैं और बताते बताते नए लॉकडाउन का नया नाम जो राज्य सरकार ने तय किया है उसको भूल जाते हैं। यह वीडियो लगभग 28 सेकंड का है। मुख्यमंत्री इस वीडियो में बोल रहे हैं कि 3 मई से नया लॉकडाउन प्रदेश में लगाया गया है जो जन अनुशासन पखवाड़े की तरह ही है और जो नया नाम निर्धारित किया है उसे जगह बताते बताते वक्त मुख्यमंत्री 3 मई से शुरू होने वाले नए लॉकडाउन का नाम भूल जाते हैं। इतनी सी बात को लेकर तीव्र गति से यह वीडियो सोशल मीडिया पर धड़ल्ले से वायरल हो रहा है। सोचने वाली बात यह है कि अशोक गहलोत जिस पद पर बैठे हैं वह पद बहुत ही जिम्मेवारी वाला है और कोरोना महामारी की वजह से राजकीय कार्य का दबाव भी बना रहता है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत एवं उनकी धर्मपत्नी भी इस कोरोना की चपेट में आ गए हैं और अपने राजकीय आवास में क्वारंटाइन है, फिर भी लगातार कई घंटे काम मुख्यमंत्री कर रहे हैं और प्रदेश में जो लॉकडाउन का मॉडल राज्य सरकार ने बनाया है वह आम जन को लगभग रास आ रहा है। इस लॉकडाउन में पूर्ण रूप से प्रदेश को बंद नहीं किया गया है। जरूरत का सामान जैसे खाद, दूध, डेयरी, मेडिकल, दवाई, फल, सब्जी इत्यादि को बेचने की छूट दी गई है। कोरोना महामारी की इस विपत्ति में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पूर्ण रूप से प्रदेश की हित से संबंधित नीतियां बना रहे हैं और प्रशासन के द्वारा उन नीतियों को बेहतरीन तरीके से लागू भी करवा रहे हैं ताकि आमजन को किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो। रिको क्षेत्र में उत्पादन से संबंधित इकाइयां चल रही है जिसमें मजदूर वर्ग अपना कार्य कर रहे हैं। बसें इत्यादि भी चल रही है जिसमें जरूरतमंद लोग अपने गंतव्य तक पहुंच सके। प्रदेश सरकार ने सोच समझकर लॉकडाउन का यह मॉडल बनाया है जो कारगर सिद्ध हो रहा है। ऐसे में वक्त में प्रदेश के मुख्यमंत्री कोई शब्द या नाम इस दबाव पूर्ण कार्य में भूल जाए तो यह कोई गंभीर समस्या नहीं है। प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, मंत्री, सांसद, विधायक या बड़े राजकीय अधिकारी एवं कर्मचारी कोई भी हो, इनसे आमजन को बहुत अपेक्षाएं होती है जिसे पूरा करने के लिए यह शासन तंत्र कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ता है और यह सभी भी ह्यूमन बॉडी ही है, इसलिए कोई गलती हो जाए तो उसे तुल देना बेमानी है।